विधायक जी कहा करते थे कि इतिहास में उसी का नाम वर्णित होता है जो संघर्ष में जीवन व्यतीत करता है, लेकिन ये जो आगे शव यात्रा जा रही है ये विधायक जी की एक्चुअल कमाई है, ये विधायक जी ने कमाया था। आज पूरे शहर का एक एक युवा, एक एक व्यक्ति की आंखों में आंसू हैं, सबकी आंखें नम है। एक संघर्षशील व्यक्ति का हमारे बीच में से जाना, राजनीतिक स्तंभ का हमारे बीच में से खोना है, इसका बहुत दुख है, सभी को दुख है। और एक हिंदूवादी नेता, एक राजनीति का स्तंभ, राजनीति का चाणक्य अलीगढ़ ने खो दिया है। बेहद दुखद, सारा जनपद बेहद दुख में है। और इस ये नुकसान सिर्फ और सिर्फ उनके परिवार का नहीं है, पूरे जनपद, पूरे प्रदेश और पूरे देश का है, पूरे समाज का है। ईश्वर उनके परिवार को इस महान दुख को सहने की शक्ति दे। कि हिंदूवादी नेता हमने अलीगढ़ जिले से खो दिया है, इसकी भरपाई शायद इस जन्म में तो नहीं कर पाएगी। और भाजपा के बहुत अच्छे लीडरों में से एक लीडर गिने जाते थे, नम्मान जी के बाद ये एक नेता भाजपा ने ऐसा दिया था पार्टी को, पार्टी ने जो सर्व लोगों को लेकर चल रहे थे, और अकस्मात निधन से बहुत पीड़ा हुई है, बहुत दुख हुआ है। हमारे पूर्व विधायक जी संजीव राजा जी का देहांत जो हुआ है, इससे नगर की बहुत बड़ी क्षति हुई है। एक ऐसा ही विधायक था ये जो कि हर आदमी के लिए हर समय तैयार खड़ा रहता था, और पूरे शहर में शोक की लहर है, और हम ही सब लोग इस क्षति को कोई पूरा नहीं कर सकता है। हमारे भाजपा से एक बहुत जुझारू विधायक जो रहे हैं और अब तक समाज के लिए लड़ते रहे हैं, वो हमारे बीच में से चले गए, उसके लिए सारे लोग बहुत शोक संतप्त हैं, और भगवान से प्रार्थना करेंगे सभी लोग कि उतनी आत्मा को शांति प्रदान करें, अपने चरणों में जगह दें। और अफसोस है, अलीगढ़ में भरपाई युवा नेता थे, हमारे लिए मार्गदर्शक थे, विधायक रहते हुए संगठन का काम किया, और कोई कैसी भी ऐसी युक्ति नहीं थी, हर एक के साथ खड़े रहते, गरीब हो या अमीर हो, सबके साथ खड़े रहते थे। इनका पूरा जीवन संघर्ष में रहा, और हमारे बीच में से एक शेर चला गया जो हमेशा हिंदुत्व की बात को उठाने वाला शेर था। पूरा जीवन उन्होंने हिंदुत्व की बात की। ईश्वर से प्रार्थना है उन्हें अपने चरणों में स्थान दे और परिवार को शक्ति प्रदान करे। आज महावीरगंज बड़े दुख में है, और पूरा बाजार बंद है सोते ही, और विधायक जी के, पूर्व विधायक जी जाने पर हमें बड़ा शोक है, सबको बहुत दुख है, हमारी बहुत बड़ी क्षति हुई है। अब भाई को खोया ये तो हम समझ रहे हैं कि कितनी बड़ी कीमत हमने चुकाई है, और परिवार के लिए मुट्ठी में बांध कर चलते थे, और जरूरत पड़ती थी तो सख्ती से हम लोगों के लिए समझा भी थे, सामाजिक सरोकार में सहभागिता के लिए कहते रहते थे। आज सब लीला उन्होंने ख़त्म कर दी, बड़े भाई थे हमारे। उनके जाने का सभी लोगों को बहुत कम है, और अचानक जाना उनका बहुत दुखदायी हुआ है। पार्टी के लिए, समाज के लिए, दोनों के लिए बहुत क्षति हुई। हमेशा हर एक के साथ रहे, जो भी रहे साथ रहे, हमेशा कोई इनका नाम लेते सब काम हो जाते, काम इतना बढ़िया, नाम जैसा नाम वैसे काम, जैसा इनका नाम था वैसे काम था। हमारे बीच से हमारे एक जुझारू नेता जो समाज के लिए जीवन भर लड़ा, चाहे वो विधायक था या नहीं था, उसके बावजूद भी हमेशा हम लोग समाज के लिए कार्य करा। आज हम एक रिक्तता महसूस कर रहे हैं जो उनके जाने के बाद बड़ी मुश्किल से पूरी होगी। स्थिति यह है कि अलीगढ़ हिंदू हृदय सम्राट श्री संजीव राजा जी के वियोग में आज पूरा अलीगढ़ शहर बंद है, और ये उनका प्यार और अपनत्व है। उन्होंने बेशक धन दौलत नहीं कमाई, लेकिन अपनों का प्यार इतना कमाया है कि इस समय उनके आगे पीछे तो तांता लगा हुआ है, शहर का हर खाम और एक आस। ये समय शव यात्रा बड़ा बाजार से होते हुए और अचलताल हिंदू विश्व हिंदू परिषद ऑफिस पर जाएगी, और वहाँ से फिर ये जो चंदनीय मोक्षधाम है वहाँ के लिए प्रस्थान करें। आज हमारे बीच में से एक अलीगढ़ शहर के विधायक भाई संजीव राजा जी चले गए हैं, और ये एक पूरे समाज के लिए बहुत बड़ी क्षति है। देख रहे हैं पूरा शहर गम में डूबा हुआ है। माननीय विधायक जी जन जन के हृदय में बसे थे, आज हम सब लोग शहर की लहर में है। मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है, हम सब लोगों के लिए क्षति है। विधायक जी का जाना बड़े दुख का विषय। आज अलीगढ़ का भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा नेता जिसने हमेशा कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया, वो चला गया हमारे बीच में से। ये एक हमारे पूरे व्यापार मंडल के नहीं, पूरे अपूर्व अलीगढ़ की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। इसकी भरपाई करना एक असंभव है। संजीव राजा जी की भरपाई कोई ना कर सका है, न कर पाएगा। ये हमारे व्यापार मंडल क्या, पूरे अलीगढ़ की राजनीति के लिए
और पूरे समाज के लिए बहुत बड़ी क्षति है। इससे बड़ी क्षति शायद असंभव। जो शेर हिंद जिसको कहते हैं, इन्होंने पूरी ज़िंदगी संघर्ष से गुजारी है और शहर के लिए तो बहुत बड़ी क्षति है, बहुत बड़ी क्षति है। अलीगढ़ को अब ऐसा नेता नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, अब नहीं मिलेगा कोई नेता ऐसा। अलीगढ़ पे बहुत बड़ा वज्रपात हुआ है, आज अलीगढ़ अनाथ हो गया है। एक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई के नारे को इस व्यक्ति ने बुलंद किया। मैं कांग्रेस पार्टी का व्यक्ति होने के बाद मेरे आंखों में आप आंसू देख रहे हैं। एक सच्चा नेक फरिश्ता व्यक्ति आज हमारे बीच से चला गया है। इस बात का पूरे अलीगढ़ को दुख है, सौरा जीवन को नहीं है, पूरा अलीगढ़ रो रहा है। आज एक महान सपूत, अलीगढ़ का सपूत और राजभक्त चला गया है। आज सौरा जीवन उसको प्रणाम करता है, नमन करता। आज हमारे विधायक जो हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके कर्म अच्छे नेता थे और सबकी मदद करते थे हर उस। आज हमें बहुत दुख है, हमारे अलीगढ़ के जो शेर हैं वो आज हमें छोड़कर चले गए। संजीत विद्यार्थी परिषद संगठन मंत्री, निश्चित ही आज एक बड़ा ही दुख का विषय है। हम सबके श्रद्धेय पूजनीय, हम प्रदेश मंत्री रहे ऐसे संजीव राजा जी पूर्व विधायक, इन्होंने हमेशा हिंदू धर्म के लिए, इन्होंने पूरे भारतवर्ष के लिए, अलीगढ़ के लिए एक शेर राजा जो कहा जाता है, एक राजा आज हम लोगों के बीच में से जा रहा है। निश्चित ही विद्यार्थी परिषद पूरे परिवार के लिए एक शोक की लहर है। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के अंदर बहुत ही निराशा का, दुख का भाव है। मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ ऐसे व्यक्ति को, इनकी आत्मा को शांति दे, इनको पुनः जन्म दे। इनकी जो अच्छे कार्य थे, इन्होंने जो विद्यार्थियों को सिखाया था, हम जैसे छात्रों को खड़ा किया, विद्यार्थी परिषद को एक नया मुकाम दिया, मैं विद्यार्थी परिषद परिवार की तरफ से इनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। अलीगढ़ का एक शेर चला गया, आज अलीगढ़ पूरा शहर शोक में मग्न है और सब जगह ये त्राही हो रही है कि अचानक ये क्या हो गया। ईश्वर भी पता नहीं कभी कभी ऐसी परीक्षा लेता है। आज हमारे हिंदू सम्राट, हमारे ये समझिए पूरे शहर के एक ऐसे, हम उनको विधायक जी नहीं कहेंगे लेकिन उनको एक ऐसा व्यक्ति कहेंगे जिन्होंने हमेशा हर समाज के लिए, हर वर्ग के लिए जी जान से, अपनी सेहत की भी उन्होंने परवाह नहीं करी। 5-6 दिन से तबीयत खराब होने के बावजूद भी सेवा में लगे रहे, समाज सेवा में, जनता की सेवा में। ऐसे महापुरुष का जाना पूरे अलीगढ़ शहर के लिए बहुत ज़्यादा दुखदायी है और पूरा शहर शोकमग्न है। मैं शोकी लहर क्या बताऊँ, पूरा शहर गमगीन है। जितनी उम्मीद नहीं थी उससे ज़्यादा इन्होंने नंबर कमाए। हमारे शहर के बहुत बड़े प्रमुख और जाने माने, जनप्रिय, हर समाज को चाहने वाले, हर समाज के दर्द को समझने वाले हमारे प्रिय संजीव राजा जी इस समय हमारे बीच में नहीं है। हमें इसका बहुत दुख है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। पूरे युवा मोर्चा ने इकट्ठे होकर के हमारे पूर्व विधायक परम आदरणीय संजीव राजा जी को श्रद्धांजलि देने का काम किया। सभी को बहुत बड़ा दुख है, माननीय पूर्व विधायक संजीव राजा जी, हरदिल अजीज, जो सबको चाहते थे, सबकी सुनते थे, सबकी परेशानियों का निवारण करते थे, तो वो आज हमारे बीच नहीं रहे। सारे सिख समाज को और पूरे अलीगढ़ को बहुत बड़ी क्षति पहुंची है, इस क्षति को पूर्ण करना बहुत मुश्किल है। बड़ा ही दुखद समाचार है, हम लोग इस शोक से उबर नहीं पा रहे हैं। हमारा पूरा रोटरी समाज भी इसी शोक संवेदना से व्यक्त करते हुए पूरी तरह से उनके साथ है। और जो उन्होंने युवाओं को हमेशा जोड़ के रखने का कार्य किया और भाजपा में निरंतर सभी को जोड़ते हुए आगे तक लेके आए, उसके लिए हम हमेशा उनके ऋणी रहेंगे और भगवान के श्री चरणों में वो रहें। हमारी यही इच्छा है, किसी न किसी रूप में हमें आशीर्वाद देते रहें। आज शहर के पूर्व विधायक मेरे बड़े भाई आदरणीय संजीव राजा जी का आकस्मिक निधन हो गया। ये क्षति यहाँ शहरवासियों की तो है, मेरी व्यक्तिगत क्षति भी है क्योंकि मैं उनको बड़ा भाई मानता था और वो मुझे छोटे भाई जैसा स्नेह देते थे। मैं उनके चरणों में अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। ये हमारे अलीगढ़ की शान थे, हमारे बड़े भाई संजीव राजा जी, शहरी अलीगढ़ और ब्राह्मण समाज के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहे, अपनी एक बाजू मान के चले। उनके लिए पूरा समाज आज पूरी तरह शोक संतप्त है और उनके लिए शब्द नहीं है श्रद्धांजलि देने के लिए। साहब, अलीगढ़ के लिए बहुत ही क्षतिपूर्ण क्षण हैं और हमारी तरफ से उनकी आत्मा को, दिवंगत आत्मा को बहुत शांति प्रदान हो। बहुत ही दुख का समय है, ऐसे लोग बहुत ही सदियों में कभी कभी जन्म लेते हैं जो कि पूरी लोगों को साथ लेके चलने वाले, सब दीन दुखियारों की मदद करने वाले,
कम आते हैं ऐसे लोग इस संसार में, बहुत ही दुख की घड़ी है सब लोगों के लिए। अलीगढ़ के शेर हमारे पूर्व विधायक संजीव राजा जी का आज जो आकस्मिक निधन हुआ है वो वास्तव में शेर थे। अलीगढ़ शहर उनकी इस अपूर्तनीय क्षति को कैसे पूरा करेगा हम ये समझ नहीं पा रहे हैं। हजारों की तादाद में जो यहाँ भीड़ उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आई हुई है, लोग बिलख रहे हैं, रो रहे हैं समझ लीजिएगा। और आज इस शहर का जो हिंदूवादी नेता है उससे ऐसा महसूस होता है हिंदू सम्राट से जैसे कि हम लोग बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। और ऐसे नेता कब कैसे कब जन्म लेंगे ये समझ पाना नामुमकिन है। बहुत बड़ा नुकसान है पूरे इस शहर के, जो नुकसान है उसके लिए उसको समझ नहीं पा रहा हूँ। और ये बहुत बड़ी क्षति शहर के लिए है, पूरे शहर का, पूरे समाज का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और ये अपूर्णीय क्षति है जिसको आने वाले वर्षों में पूरा नहीं कह सकता। जो संघर्ष और वो शक्तिशाली थे नेता हमारे, वो आज हम खो दिया उनको, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है साहब। ये किस तरह का श्रद्धांजलि देना चाहिए? जैसे मैंने उनके बारे में, मैं तो पहले साथ भी रहा उनके देखा, लेकिन जैसे मैंने उनके बारे में सुना है बात समय इतने समाज सेवी और त्यागी और वो संघर्ष करने वाले व्यक्ति, उनका स्वभाव बिल्कुल यानी सच बोलने का था और एक व्यवहारिक व्यक्ति थे। और वास्तव में मैं कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से उन्होंने समाज की सेवा की और लोगों में संघर्ष करके वो इस मुकाम तक पहुँचे हैं, ऐसे की जो क्षति होती है वो अपूर्णीय क्षति है। और मैं उनके बारे में ये कह सकता हूँ कि जैसे कहा है किसी ने कि जब हम पैदा हुए हम रोए जग हंसा, हम रोए जग हंसा, ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसें और जग रोए, तो वही उन पर लाग। शहर के आन बान शान ऐसे विधायक, पूर्व विधायक संजीव राजा जी, जिन्होंने एक एक कार्यकर्ता, घर घर कार्यकर्ता पैदा किया, जो व्यक्ति ऐसे कार्यकर्ता पैदा करने वाला आज चला गया हमारी इस अलीगढ़ से, अलीगढ़ की आन बान शान चली गई है। एक एक कार्यकर्ता दुखी है, अन्य डिस्ट्रिक्टों से भी लोग बाग आए हैं और बहुत ज़्यादा दुख व्यक्त कर रहे हैं उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। अलीगढ़ जनपद के लिए ये बहुत बड़ी क्षति है, मेरे पास शब्द नहीं है किन शब्दों में मैं श्रद्धांजलि दूँ, बहुत दुख का विषय है। राजनीतिक क्षेत्र में इस क्षति को पूरा करना संभव मुझे नहीं लग रहा है। उनका जनता के बीच अच्छा व्यवहार था, बड़े जुझालू जनता के बीच रहने वाले, काम कराने वाले शहर के ऐसे विधायक थे जो हमें बीच होना मुश्किल है, जो आज हमारे सबके साथ छोड़ के चले गए। संजीव राजा जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता थे। 1980 से उन्होंने विद्यार्थी परिषद से छात्र जीवन से उन्होंने राजनीति शुरू करी। सर्वप्रथम वो विद्यार्थी नेता थे, विद्यार्थी परिषद के पूर्णकाल के भी रहे। बहुत सारे संघर्ष उन्होंने किए, उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारें किसी की भी रही हों लेकिन उन्होंने कभी संघर्ष नहीं छोड़ा। इसलिए उनके कई बार उनके खिलाफ राजनीतिक मुकदमे भी लिखे गए और उन्होंने कभी इससे हार नहीं मानी। पत्नी को टिकट मिला और भारी बहुमत से जीते, आज हम सबके बीच में वह नहीं है। ऐसे महान योद्धा, महान कर्मयोगी, संगठन के शिल्पी आदरणीय संजीव राजा जी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साथ ही परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में सहन करने की क्षमता प्रदान करें और श्री प्रभु अपने श्री चरणों में उनको स्थान दें। ये पार्टियों से ऊपर हट के और व्यक्तिगत बहुत अच्छे इंसान थे, एक राजनीतिक क्षति भी है और ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को दुख सहन करने की शक्ति दे। ये भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक आदरणीय संजीव राजा जी का आज आकस्मिक निधन हो गया है। पूरे अलीगढ़ में, शहर में किसी भी पार्टी के वो लोग हों, सभी उनको यहाँ पर श्रद्धांजलि देने पहुँचे हुए हैं। उनका जो कार्य रहा वो सभी धर्म के लिए, सभी जातियों के लिए, सभी पार्टियों के लिए, उन्होंने कभी भेदभाव से काम नहीं किया। पार्टी की नीतियाँ अलग हो सकती हैं, मंच अलग हो सकते हैं, लेकिन जहाँ तक व्यक्तिगत बातें हैं उस पर संजीव राजा जी ने हमेशा सबके साथ रहे और ये देख रहे हैं उसी का ये कारण है कि इतनी भारी भीड़ यहाँ पर मौजूद है। मैं निश्चित रूप से हम अपने दल की तरफ से उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्मा को अपनी श्री चरणों में स्थान दें और शोकतप्त संतप्त परिवार को इस असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। जय श्री राम।